मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी को रोका पाकिस्तानी कैप्टन शान मसूद ने। स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसी क्या गड़बड़ी थी शान मसूद को, जो कि रिजवान की डबल सेंचुरी होने का भी उनके पास टाइम नहीं था। अभी तो टेस्ट में दूसरा ही दिन था जो बांग्लादेश ने 12 ओवर खेलकर जो रन बनाए हैं, क्या उसमें से 4 और या 5 और रिजवान को देते, उन्हें कहते कि आप थोड़ा फास्ट खेलकर अपनी डबल सेंचुरी कंप्लीट कीजिए। लेकिन शान मसूद ने शायद अपना माइंडसेट बना लिया था कि इस गेम के लिए कि अब वो यहां से डिक्लेयर करने वाले हैं, लेकिन जिस स्टैगरेट से बल्लेबाजी कर सकते थे रिजवान, उन्हें चांस देना चाहिए था, उन्हें मौका मिलना चाहिए था डबल सेंचुरी करने का। उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी बेहतर कर लेते और शायद पाकिस्तान के एक पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बनते, जो कि दोहरा शतक तो पहले भी लगाया गया है, लेकिन ये दोहरा शतक लगाकर उसका रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे। लेकिन शान मसूद ने उन्हें ये करने का मौका नहीं दिया। इतनी गड़बड़ी में क्या जल्दी थी पता नहीं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ज़्यादा रन भी नहीं बनते। दूसरा दिन चल रहा था, पहला दिन बारिश की वजह से थोड़ा सा खेल खराब भी हुआ था। रिजवान को भी थोड़ा मलाल होगा क्योंकि 171 रन पर वो खेल रहे थे, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के लगाए थे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद ने डिक्लेयर करके सबको चौंका दिया और रिजवान की डबल सेंचुरी भी होने नहीं दी, क्या फ्रेंड्स आपको भी लगता है कि रिजवान ने डबल सेंचुरी के लिए उनसे टाइम मांगा होगा या नहीं मांगा होगा, क्या फिर उन्हें शान मसूद उन्हें टाइम नहीं दिए, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।